इतने छोटे। थैंक यू मामा। मामा देखो कितने खुशबू आ रही है टॉयलेट की। इसके टॉयलेट की फ्लावर की। अच्छा सॉरी। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं उमा चंदिल आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूं। तो फ़िलहाल सुबह के टाइम हो रहा था 8:30 के अराउंड, और अथर्व के चल रहे हैं एग्ज़ाम, और अथर्व वहां नाश्ता वगैरह कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियो में दिखा, अथर्व के डैडी कर रहे थे पूजा। तो यहां पे मैं अथर्व की कपड़े ड्रेस जो है स्कूल की यूनिफॉर्म उसे प्रेस कर रही थी। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा चल रहा था सुबह सुबह के टाइम, पूजा का टाइम था और अथर्व के डैडी ने भजन वगैरह लगा रखे थे, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है इसमें। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ अथर्व के कपड़े वगैरह। तो हेलो गाइस, इसके हिसाब से सब बच्चों के तो मैं नाश्ता के लिए उठ गया। अब मैं फिर स्कूल जाऊँगा, फिर आऊँगा, फिर आपसे मैं मिलूँगा कल नहीं बाद में। तो ठीक है, अभी मैं पैंट पहन के जाऊँगा। मम्मी क्या कर रहे हो? कपड़े प्रेस। सॉरी क्या कर रहे हो? कपड़े प्रेस। तो यहाँ पे मैं और मम्मा आप मुझे ये देना तो आप मुझे मैं कहूँगा थैंक यू। थैंक यू मम्मा। मम्मा देखो कितनी खुशबू आ रही है टॉयलेट की। इसकी टॉयलेट की फ्लावर की। अच्छा सॉरी मम्मा, तो मैं वॉच पहन कर जाऊँ। वॉच प्लीज। ये मैं अच्छा बच्चा हो गया। यस। तो मम्मा ऐसे बनाऊंगा लोग आपको दिख जाए, मुझे ऐसे दिख जाएगा। तो गाइस, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ। नहीं तो गाइस, तो यहाँ पे मैं तो गाइस आज मेरा एग्जाम है। तो गाइस मेरा एग्जाम है। तो मम्मी का आज बर्थडे होएगा रात को, तो मैं पता नहीं क्या पहनूंगा। मम्मा क्या पहनूंगा मैं? कपड़े। हाँ गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं उमा चंदिल आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो फिलहाल जैसे कि आपने मेरे मॉर्निंग रूटीन में देखा होगा कि मैंने अथर्व की लंच में और नाश्ते में बनाई थी छोले और पूरी की सब्जी, छोले और पूरी। तो मैंने उसको नाश्ते में और लंच में दिया था। देख ली थी कौन है बाहर, अथर्व ट्यूशन से आ गया है, पढ़ाई कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ बोलना चाहोगे आप? क्या ज्यादा आगे करो, ज्यादा कैसे करते हैं? ज्यादा आगे नहीं हो रहा। आजकल ये ब्लॉगर बन गया, ये मुझे सिखाता है कि मम्मा जूम करो जूम। लो मैं आपको आगे लेके आ गई। लो तो गाइस, हम लोग शाम को जाएंगे बाहर डिनर करने। कहाँ जाएंगे थर? छोले भटूरे खाने। और बस इसको तो छोले भटूरे खाने होते हैं। और इधर आओ। हाँ। मैं आपको बताऊँ, अभी इसको बंद करो। नहीं नहीं आप बताओ, ऐसे बता दो। मैंने एक बार तो दिखाओ। नहीं अरे मैंने पकड़ा हुआ, आप बता तो दो। देखो तुम ये नहीं, अब पढ़ने दो जाओ। तो गाइस फिलहाल मैं बना रही हूँ चाय, और टाइम हो रहे हैं 4:30 का टाइम हो रहा है। अथर्व के डैडी बाहर बैठे हुए हैं, उनके लिए और अपने लिए बना रही चाय। हाँ बाहर बैठे हुए हैं डैडी, तो फिलहाल उनके लिए और अपने लिए बना रही हूँ चाय। अथर्व को दूंगी दूध। वैसे बर्थडे मनाने का ना अब अंदर से इच्छा नहीं होती, पता नहीं, बस अब कहते हैं जैसे मतलब बच्चों का मना लो तो सही है। मुझे अथर्व का बर्थडे ही सेलिब्रेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं अथर्व के साथ ही अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करूं। मम्मी का भी? हाँ, मम्मी तो मेरे गिफ्ट कहाँ हैं? सॉरी मैं भूल गया, सुनो ना कुछ। हाँ बोलो। मेरे पास पैसे हैं। हाँ हैं। खाना गाइस ये ना मेरे से कुछ ना कुछ मांग दिया, तो मैंने ऐसे ही बोला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो कहता है मम्मा मेरे पास ही पैसे नहीं है आपको देने के लिए। तो चलिए फिलहाल बना लेती हूँ चाय। गाइस नहीं आएंगे, मैं ही आऊँगी उधर। क्या हुआ बताओ बताओ, क्या हुआ पहले बात बताओ क्या हुआ।
हैंडराइटिंग दिखाने के लिए बुला रहे हो? मैं बहुत टाइम बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ और मैं डेली व्लॉग नहीं बना पा रही। सबने मैं डेली में क्या दिखाऊँ, वही घर के रूटीन। तो फिलहाल यहाँ बना रही हूँ चाय। ये इतने छोटे हेयर क्यों करवा लिए आपने, इतने छोटे? अथर्व पापा ने बोला है छोटे छोटे करिए। पानी तो लग दिया, लेकिन ये क्या करा दिया आपने मेरे बेटे के हेयर का? नहीं अथर्व, अथर्व आपको क्या करवाने के लिए बोला था और क्या करवा दिया डैडी ने? डैडी ने इतना से करवा दिया। हाँ अब मैं छोटा बच्चा हूँ क्या? और क्या तो गाइस, अथर्व हेयर कट नहा चुका है। अथर्व सीरियसली मुझे अच्छी लग रही थी, छोटे छोटे हेयर। तो गाइस बताना था अभी कैसे लग रहे थे आपके हेयर? अभी बता तो, अभी बता। कैसे बताओगे? अथर रेडी हो चुका है फंक्शन में जाने के लिए। एक सेकंड में आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये यू लुकिंग हैंडसम, थैंक यू बोलो। चले हम छोटे बेबी का जहाँ पे बाबी की छोटी छोटी बच्ची जो नहीं छोटी बच्ची। अच्छा आप उसके लिए पैसे ले रहे हो? हाँ। ओके चीज खाने के लिए, मुझे लगा छोटी बुआ के बच्चे के लिए ले रहे हो। हाँ। चीज खाने के लिए इतने कम पैसे? अरे रुक तो जाओ, मैं चलूंगा आपको छोड़ने के लिए। रुक जाओ, था हाथ गंदे हो जाएंगे। रुको आओ अंदर आप अभी। मैं रुको मैं दुपट्टा वगैरह ले लूँ। अथर वेट करो, उसको चॉकलेट पसंद है या आइसक्रीम? तो उसी से पूछ लेना ठीक है। मुझे पता उसको जेली पसंद है, तो जेली भी नहीं होगी। ठीक है कोल्ड ड्रिंक भी ले लूँगा, उसको कभी कोल्ड ड्रिंक पसंद है। तो आप जिस पार्टी में जा रहे हो उसमें कोल्ड ड्रिंक भी होगी, आइसक्रीम भी होगी? हाँ मैं खा लूँगा। नहीं आइसक्रीम खाना, तो आपको पता रात को फीवर हो गया था ना? अब तो नहीं हो रहा ना मम्मी, हो रहा है। चलो मैं आपके फोटो क्लिक कर दूं। फिर से कपड़े चेंज कर लिए हैं। पहले इसने ब्लैक पैंट के ऊपर कुर्ता डाल के रखा था, अब इसने अंदर पिंक शर्ट और पिंक ही ब्लेजर डाल लिया। दिखाना था और अपना प्रॉपर दिखाओ, यहाँ 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 खड़े होकर दिखाओ ऐसे। डांस क्यों कर रहे हो, कैसे लग रहे हो? स्टाइल है। चले भैया घर। कहाँ जा रहे हो तो बता दो गाइस को। मैं हैप्पी के घर जा रहा हूं। नहीं नहीं फंक्शन में कहाँ जा रहे हो? मैं फंक्शन में जा रहा हूं। किसके फंक्शन है? भाभी के फंक्शन में। अच्छा थोड़ा कम स्टाइल मारो, यहाँ देख रहा हूं। नहीं आराम से, आराम से, कपड़े हाथ गंदे हो जाएंगे। जल्दी है जल्दी। ना तो आगे बैठी हैप्पी बी एक साइड में दूल्हे का भैया। नहीं बेटा पीछे बैठ जियो। आज मेरा बेटा गया नहीं आइसक्रीम मत खाना ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ। बैठो, कपड़े कपड़े गंदे मत करना। ओए आगे बैठ, आगे बैठेगा। तो गाइस रात के बज चुके हैं 10 और अथर्व अथर्व के डैडी भी तक आए नहीं है और मैं यहाँ पे खा रही हूँ स्वीट कॉर्न की चाट। खाना मैंने अपने लिए बनाया नहीं था, मैंने सोचा क्यों ना स्वीट कॉर्न की चाट बना के खा लेती हूँ। अब देखो किस टाइम तक आते हैं, अभी तो मैंने फ़ोन करते जब तक तो मना कर रहे थे कि एक घंटे बाद चलेंगे। अब देखते हैं कि देर में वो लोग आएंगे।
गाइस 12 बज चुके हैं और अथर्व अब आए हैं। अथर्व और अथर्व के डैडी। हाँ जी बताओ, कैसी रही पार्टी? अच्छी। फ्रेंड मिले आपके वहाँ पे कोई? ना। कोई भी नहीं था? वो छोटी बेबी भी नहीं थी जिसके लिए पैसे लेके गए थे आप? नहीं। क्यों? आप सर्दी में थे वो वाली जो वाइट कलर की। वाइट कलर की शर्ट क्यों देती मैं? उसी में थे पैसे? हाँ। अरे यार सॉरी अथर्व, सॉरी मुझे पता नहीं था बेटा। क्या कहते हैं हैप्पी भैया चलने के लिए? तो मैं ठीक है हैप्पी से बोल दूंगी, हैप्पी अथर नहीं जाएगा आज के बाद किसी भी फंक्शन में। ठीक है पक्का? तो कपड़े तो उतारने दे। कोई ऐसा ड्रेस नहीं करता। क्या नहीं करता? तो चलिए गाइस इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अथर अथर के डैडी घर पे आ गए थे। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।